वास्तु का प्रभाव होता क्यों है हमारे जीवन पे, कैसे होता है। हमारे दो ब्रेन होते हैं, दो माइंड होते हैं, एक तो चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी, जो भी युवा लोग बैठे हैं आप गूगल करना, आपको पता लगेगा हमारे जीवन के अंदर जितनी भी चीजें बनती है वो सारी वही बनती है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है। हमारा अवचेतन मन जिस चीज को सोचता है वही चीज हमारे जीवन में घटित हो जाती है। दो बातें हैं देखना, या तो किसी चीज के बारे में केवल आप आकलन कर रहे हो और दूसरा वह चीज आपके सामने प्रकट हो जाए। तो जो गणित करने वाला काम है कि ये काम ऐसे होगा वैसे होगा ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, ये सारी गणित करता है कॉन्शियस माइंड। कौन करता है? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड जिसे बोलते हैं हम। और जो चीजें प्रकट कर देता है वह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब आप ये सोचते हो कि मेरी उंगली के चोट लगी हुई है, मेरी उंगली को कोई दुखा ना दे, सारा दिन उसी उंगली पे चोट लगने वाली है। जहां पे आप कलर कर देते हो कि गीला है उसको कोई हाथ नहीं लगाए, उस पे सबसे ज्यादा हाथ लगता है कि गीला है क्या भाई, ऐसे टच करके देखने हैं। जहां पे लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, समस्या ही वही आती है, मन में आता है कि यार पेशाब यहीं पे करके, मतलब ऐसे मन में आ जाती है। क्यों होता है, किसने सिग्नल लिया, किसने आपके अंदर वो परिस्थितियां प्रकट कर दी? तो उसका उत्तर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज आती है वह आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यदि आपने अपने अवचेतन मन को कोई संदेश भेज दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। लेकिन वो संदेश भेजना नहीं आता हमें। आप रोजाना यात्रा करते हो, कभी भी आपको आरटीओ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, कागज नहीं है, आरटीओ पक्का ही मिलेगा। क्या कारण होता है ये कारण होता है हमारे बिलीव सिस्टम की वजह से। जब हम ये सोचते हैं ना बार बार, आपके सबकॉन्शियस को कमांड कब जाती है, जब आप एक चीज को बार 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 बोलते हो, उसे गणित नहीं करना आती। जैसे मैंने अभी सोच लिया कि मैं अगर होटल से बाहर निकलूंगा तो मेरे को लेने के लिए BMW आएगी, तो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है ना वो पहले ही गणित करना शुरू कर देगा, कैसे आएगी, क्यों आएगी, किंतु परंतु, वो सारी बातें करेगा। तो मेरा मन कहेगा हाँ नहीं आ सकती यार, तो फिर अवचेतन मन कहेगा ठीक है नहीं आ सकती, लेकिन मेरा बिलीव कहता है कि नहीं आएगी ही आएगी। तो यदि मैं ऐसे विश्वास से कहता हूं तो हमारा अवचेतन मन उसको कैच करता है, उसे पता नहीं कहां से लेके आएगा, लेकिन वो प्रकट कर सकता है। ठीक वैसे ही प्रकट कर सकता है, जब आपने कहा टीटी नहीं आ जाए नहीं आ जाए नहीं आ जाए, तो चेतन मन का संदेश अवचेतन के पास गया, बोले टीटी की बात हो रही है और उसको एक ही बात आती है तथास्तु। जब आपने कहा उंगली के नहीं लगे उंगली के नहीं लगे, तो उसने सोचा कि संदेश आ रहा है जी भी उंगली के लगनी है, तो वो बोलता है तथास्तु। जब उस माता ने सोचा कि मेरे घर में अभी मैंने सफाई की है, कोई कचरा लेके नहीं आ जाए, उस समय कोई ना कोई कचरा वाला आता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि आज मुझे टीटी नहीं मिले टीटी मिलता है, जब आप बार बार ये सोचते हैं कि लाइसेंस नहीं है, तो अधिकारी चेक करने वाला आ जाता है। तो ये पावर जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है, और सबकॉन्शियस माइंड दो जगह से आपके जीवन में पॉइंट ग्रहण करता है। या तो आप जब सोते हो, जब हम नींद लेते हैं, तो जब हम जाग रहे हैं और जब हमें नींद आ गई है, दोनों के बीच में एक जगह होती है। तो जो जागने और नींद लेने का बीच का जो समय है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने का। इसलिए हमारे सारे जो संत है महंत है वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही अच्छी बात करो ताकि आपका सारा दिन अच्छा गुजरे। क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो वो जो तंद्रा वाला सिस्टम होता है ना, जहां पूरे आप जगे भी नहीं हो और पूरे नींद में भी नहीं हो, उस समय जब आप जैसी बात करते हो सुबह सुबह का माहौल यदि खराब हो जाता है तो पूरा दिन खराब जाता है। सुबह सुबह का अच्छा माहौल हो गया तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इसलिए कहते हैं कि उठते ही आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, तो आपके जीवन में उस दिन सारा अच्छा रहेगा। कारण के आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय सिग्नल लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड ने ही आपके जीवन में चीजें प्रकट कर देनी है। कैसे प्रकट करता है मैं आपको आगे वास्तु से बताऊंगा कि वो चीजें आपके जीवन में वास्तु कैसे कर सकता है। एक चीज तो आपको समझ में आई कि सबकॉन्शियस माइंड तक यदि आपने बात पहुंचा दी वो चीज आपके जीवन में बन जाएगी। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कमांड देनी नहीं आती, वो सिर्फ रिसीव करता है। आपने जैसी कमांड दे दी वो वैसी ही चीज को रिसीव कर देगा और आपके जीवन में वो चीज प्रकट कर देगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा फील करें, क्योंकि आपकी फीलिंग को समझता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग को समझता है। तो जब आप ध्यान में जाते हो और वहां जाके वो चीज बोलते हो तो उसी समय वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। इसी को श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूता नाम तेषां जागृति संयमी। जिस स्थिति के अंदर सब लोग सो जाते हैं
यानी कि वो जागने से सोने के बीच की जो यात्रा है उसमें सबको नींद आ जाती है, लेकिन जो एक योगी होता है वो उस स्टेट के अंदर भी थोड़ा जागृत रहता है और उसको पता है कि मुझे मेरे सबकॉन्शियस को क्या कमांड देनी है, और वही चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यही वो जिन्न है जो आपके अंदर है, जिसको यदि आपने सूचना दे दी तो वही चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। अब ये प्रकट होती है दूसरी इस बात से कि आपके घर के अंदर कौन सी चीज कहां पर रखी है, वहां से भी यह सूचना लेता है। उसी का नाम है वास्तुशास्त्र। हमारे ऋषि मुनियों ने जो अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि घर के एक हिस्से के अंदर रखी हुई एक चीज का एक दिमाग पर अलग असर होता है और उसी से आपको रिजल्ट अनुभव होता है। ये जो वास्तु है वह हमारे जीवन के अंदर लगभग तीन प्रकार से दिखाई देता है। सबसे पहला वास्तु तो जो ट्रेडिशनल चलता है अपना, जिसको हम परंपरागत बोलते हैं, जिसके अंदर आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जहां पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्य अग्नि ऐसे कोण के माध्यम से चर्चा की जाती है, ये वास्तु है ट्रेडिशनल वास्तु, परंपरागत वास्तु जिसे हम कहते हैं। दूसरा वास्तु होता है राजाओं का। आप देखोगे अपने आमतौर बात हुए भी रसोई जी की अग्नि कोण में होनी चाहिए, तो जो हम कहते हैं कि रसोई हो अग्नि कोण के अंदर, लेकिन किसी एक महल के अंदर आप देख लेना वहां पर आपको एक भी जगह अग्नि कोण में रसोई नहीं मिलेगी। नैऋत्य कोण के अंदर राजा सोता हुआ नहीं मिलेगा। सामान्य तो हमें यही सिखाया जाता है कि वास्तु का नाम है तो भी नैऋत्य कोण है उसके अंदर घर का मालिक सोना चाहिए, सबसे हैवी जगह होनी चाहिए ये, लेकिन राजा वहां पर नहीं सोता है। तो राजाओं का वास्तु उससे कुछ अलग है। और तीसरा जो सबसे टॉप क्वालिटी का वास्तु होता है वो होता है मंदिरों का। हर घर होगा महावास्तु, धन सुख सेहत तथास्तु, ये शब्द लेकर के डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने ये शुरुआत की थी।